हरे कृष्णा दोस्तों, आज का विषय है संस्कार। आइए देखते हैं कैसे। एक बार एक माँ और बेटा रहा करते थे, बड़े गरीब थे। माँ कपड़े सिलती थी, उसी से वो अपना घर चलाते थे। माँ का स्वभाव बड़ा अच्छा था। उतने गरीब परिस्थिति में भी उसके घर के दरवाजे पे जो भी जरूरतमंद आता उसे खाली हाथ ना जाने देती। अपने से जो भी बनता वह सहयोग करती, खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती। उसने यही संस्कार अपने बेटे को भी दिया था कि खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचो, अपने से जितना बन पाया उतना सहयोग करो। एक दिन माँ बहुत बीमार पड़ गई। पैसों की तंगी के कारण इलाज सही से नहीं हो पा रहा था, तो माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा सुना है बाजू वाले गांव में गौतम बुद्ध आए हैं, सुना है उनके पास हर सवालों का जवाब होता है। बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ, उनके दर्शन करो और उनसे मेरा एक प्रश्न पूछना कि हमारे ये दर्द भरे दिन कब खत्म होंगे। बेटे ने कहा ठीक है और वो चल दिया। गांव दूर था, चलते चलते रात हो गई। रास्ते में उसे एक शेठानी का घर मिला। उसने शेठानी से पूछा, क्या मैं आपके घर पे रुक सकता हूँ, काफी अंधेरा हो गया है, सुबह होते ही चला जाऊंगा। शेठानी ने कहा ठीक है, तुम रुक सकते हो। जैसे ही सुबह हुई उसने चलने की तैयारी की, तो शेठानी ने पूछा, बेटा वैसे तुम जा कहाँ रहे हो। तो लड़के ने कहा, मैं गौतम बुद्ध जी से मिलने जा रहा हूँ। तो शेठानी ने कहा, क्या तुम मेरा एक प्रश्न उनसे पूछोगे। तो लड़के ने कहा, हाँ बताइए क्या प्रश्न है। तो शेठानी ने कहा, मेरी बेटी गूंगी है, उनसे पूछना कि वो कब बोलेगी। लड़का वहां से निकला, चलते चलते उसे बड़ी भूख लगी। उसे एक खेत में किसान मिला, वो बैठा खाना खा रहा था। लड़के ने किसान से पूछा, मुझे बड़ी भूख लगी है, खाने को रोटी मिलेगी। किसान ने लड़के को खाने को रोटी दी और पूछा, वैसे तुम जा कहाँ रहे हो। तो लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध जी से मिलने जा रहा हूँ। तो किसान ने लड़के से कहा, क्या तुम मेरा एक प्रश्न उनसे पूछोगे। तो लड़के ने कहा, बताओ क्या प्रश्न है। तो किसान ने कहा, समय से वर्षा ना होने के कारण इस बार फसल अच्छे से नहीं आई है, मैं बड़े कर्ज में हूँ, बुद्ध जी से पूछना मेरा अच्छा समय कब शुरू होगा। लड़के ने कहा ठीक है और वो वहां से निकला। चलते चलते उसे बड़ी प्यास लगी, तो उसने देखा एक सन्यासी पेड़ के नीचे बैठा तपस्या कर रहा है, बगल में पानी से भरा हुआ कमंडल है। लड़के ने पूछा, बाबा बड़ी प्यास लगी है, पानी मिलेगा पीने को। उस सन्यासी ने पानी दिया और पूछा, कहाँ जा रहे हो। तो लड़के ने कहा, मैं गौतम बुद्ध जी से मिलने जा रहा हूँ। तो सन्यासी ने कहा, मेरा एक प्रश्न उनसे पूछना कि मैं काफी लंबे समय से तपस्या कर रहा हूँ पर अभी तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, इसका क्या कारण है। तो लड़के ने कहा ठीक है और वो वहां से निकला। गौतम बुद्ध के पास पहुंचा, बुद्ध के दर्शन किए, पर बुद्ध की एक शर्त थी कि वो केवल 3 सवालों का ही उत्तर देंगे, 3 से अधिक नहीं। लड़का सोच में पड़ गया कि मेरे पास तो 4 प्रश्न हैं, मेरी माँ का प्रश्न, शेठानी का प्रश्न, किसान का प्रश्न और सन्यासी बाबा का प्रश्न। फिर लड़के ने सोचा, मैं मेरी माँ का प्रश्न रहने देता हूँ, शेठानी, किसान और सन्यासी बाबा का प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि शेठानी ने रात गुजारने के लिए सर पे छत दी, किसान ने मुझ भूखे को खाना खिलाया और सन्यासी बाबा ने मुझ प्यासे को पानी पिलाया। लड़के ने बुद्ध से 3 प्रश्न पूछे और तीनों प्रश्नों के उत्तर लेकर वापस उसी रास्ते से घर की ओर चला। लड़के को आता देख सन्यासी बाबा ने पूछा, क्या कहा बुद्ध ने। तो लड़का बोला, बुद्ध ने कहा है तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी परंतु तुम्हारे जट में जो मणि है तुम्हें तुमने छुपा रखी है, तुम्हें उसका परित्याग करना होगा, उस मणि के वजह से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। ये सुनकर उस सन्यासी ने अपनी जटाएं खोली और बेशकीमती मणि उस लड़के को दी। लड़के ने कहा, ये मैं नहीं ले सकता। तो सन्यासी ने कहा, आज तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद करी है, इस बेशकीमती मणि के केवल तुम ही हकदार हो। वो लड़का वो मणि लेकर आगे बढ़ा। लड़के को आता देख किसान ने पूछा, क्या कहा बुद्ध ने। तो लड़का बोला, बुद्ध ने कहा है तुम्हारे खेत में सोना गड़ा हुआ है, उस सोने से तुम अपने कर्ज से मुक्त हो सकते हो। तो उस किसान ने अपने खेत की खुदाई की तो देखा ढेर सारा सोना गड़ा हुआ है। किसान ने थोड़ा सोना लड़के को दिया। तो लड़का बोला, मैं ये नहीं ले सकता। तो किसान ने उस लड़के का धन्यवाद करते हुए कहा, तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद करी है, तुम इसे रखो। वो सोना लेकर लड़का वहां से चला। अब आया शेठानी का घर। शेठानी ने लड़के से पूछा कि क्या कहा बुद्ध ने। तो लड़का बोला, बुद्ध ने कहा है कि जब आपकी बेटी की शादी होगी तब वो बोल पड़ेगी,
ये सुनकर सेठानी बोली, तो देर किस बात की, मेरे सामने ही लड़का खड़ा है। सेठानी ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करवा दी। शादी करते ही सेठानी की बेटी बोल पड़ी। अंत में जब लड़का अपनी पत्नी, सोना और बेशकीमती मणि के साथ अपने घर पहुंचा तो माँ आश्चर्यचकित रह गई। लड़के ने सब कुछ अपनी माँ को बताया और कहा, माँ सब तुम्हारी दी हुई संस्कारों का ही फल है। खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना। मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया। अपने प्रश्न को छोड़कर दूसरों के 3 प्रश्न मैंने पूछे और मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, संस्कारों से संसार को जीता जा सकता है, अहंकार से नहीं। तो दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए, और तब तक हरे कृष्णा।